तो हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है सब लोग खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे। तो आज मैं आपको थ्रेडिंग बनाने का तरीका बता रही हूँ, क्या चीज़ की ध्यान रहना है आपको। मैं पहले बता चुकी हूँ अपनी वीडियो में, पर मैं डेमो के साथ आपको बताती हूँ कि किस बात का आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको ध्यान इस चीज़ का देना है कि अगर जब आपको, तो मैंने अपनी पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ किस तरीके से बेसिक बातें बता रखी है, पर डेमो करके नहीं बताया है। जब भी आपके पास क्लाइंट आते हैं, उनकी पहले आपको आईब्रो देखनी है, उनकी बातें सुननी है कि कैसे वो बनवानी है उनको आईब्रो, ठीक है। जब भी वो आईब्रो बोलते हैं बनाने के लिए कि हमें इतनी आईब्रो पतली बनानी है, मोटी बनानी है, जो भी बनानी है, तो आप सिर्फ एक्स्ट्रा लेंगे, ज़्यादा बाल को नहीं लेंगे। ज़्यादा बाल को लेना नहीं, आपको कम बाल को कवर करते हुए चलेंगे। जो भी एक्स्ट्रा आपको बाल दिख रहे हैं यहाँ से सॉल्यूशन लाएंगे, ठीक है। और नीचे से भी हम हमेशा आईब्रो को ऐसे, जब भी आज वाली आपको आप आईब्रो बोलेंगे क्लाइंट कि हमें ऐसे आईब्रो उठनी चाहिए, तो फिर आपको ऐसे क्लाइंट से होल्ड कराना है और नीचे से आईब्रो बनानी है आपको, ठीक है। पहले सबसे पहले आपको नीचे से बनानी है, नहीं तो जब भी आप ऊपर से पहले बनाते हैं ना, तो क्या होता है यहाँ से बाल ज़्यादा निकल जाते हैं, फिर आपकी आईब्रो हो जाती है इस तरीके से नीचे डाउन, ठीक है। इसीलिए हमें उठा के बनानी है, तो पहले ऐसे उठा के बनानी है, तभी ये आईब्रो आपके ऐसे उठेगी, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, और हमेशा क्लाइंट जितना बोले उससे कम बनानी है, ताकि जब आपको ऊपर नीचे हो तो आप फिनिशिंग देंगे तो आपकी आईब्रो पतली नहीं होगी, ठीक है। तो चलते हैं बनाते हैं आईब्रो। सो हम पाउडर लगाएंगे पहले, पहले पाउडर लगाएंगे, फोरहेड भी होएगा इनका, तो अच्छे से हम पाउडर लगा लेंगे। पाउडर लगाने से क्या होता है कि बाल हमें दिखते हैं अच्छे से, और पसीना आता है तो दिक्कत होती है आईब्रो बनाने में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट। तो हम क्लाइंट को होल्ड करने के लिए बोलेंगे, होल्ड करने के लिए, यहाँ से हम रिकॉर्डिंग करें। हाथ आपको हल्का रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, क्लाइंट को बोलना बिल्कुल टाइट रखें, नहीं तो स्किन आएगी। अभी तो हाथ हल्का रखना आपको, हल्का हाथ रखेंगे तो कभी भी दर्द नहीं होगा। ये देखिए, नीचे से हमने निकाल लिया है आईब्रो को, कितने अच्छे से आराम से निकल गया है। अब हम यहाँ ऊपर से निकालेंगे, फिर बाद में लास्ट में फिनिशिंग देखेंगे। हल्के हल्के बाल लेने हैं, हमें ज़्यादा नहीं लेना है। तो देखिए, ऊपर से भी कर दिया है हमने, जो भी अपने बाल दिख रहे हैं आपको उसको कट करना है।
सो अब हम देखिए ये जो बीच है ये वाली इसको कट करेंगे। लाइन को बोल देना है पर होल्ड करने के लिए, ठीक है। अब आंखों को अपने से तो अच्छे से होल्ड करो। सो ये आईब्रो आपकी देखिए बन गई है। देखते हैं अब ये वाली आईब्रो रह रही है। आईब्रो बन गई है, अब इसको बनाएंगे हम लोग, इसको शेप देंगे। तो मिलते हैं आपको ये बनाने के बाद। तो ये आईब्रो आपकी रेडी हो गई, बन गई है। ये फॉरहेड भी करना है, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे हम एक्सटेंशन। अच्छे से क्लीन कर देंगे। मिलेगा थोड़ी ना। ये देखिए तो रेडी हो गए आपके आईब्रो, देख रहे हैं आप बिल्कुल एक बराबर बनी है आपके आईब्रो। इस तरीके से आप लोग आईब्रो बनाएंगे तो बहुत अच्छी होगी। कुछ बातों का ध्यान रखें और अब हम फॉरहेड करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं।